तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर है वेरीफाई दैट माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर है आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, नॉर्मली बहुत ईजी है, कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करना है, x की जगह पे उसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है, कुछ भी आए आपको वेरीफाई करना है बस, ठीक है। यानी कि वो बराबर आना चाहिए, और अगर बराबर नहीं आता है तो ठीक है, आता है तो ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। देखो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी है 11/15, तो मैं इसमें पुट कर लेता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। सो माइनस यहाँ पर है 11/15 इज इक्वल टू 11/15। सो अब देखो, अगर यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर माइनस है, एंड आपको पता है माइनस इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस, तो बस बात ख़त्म यहीं पे, 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर LHS आपका आ चुका है RHS के बराबर, RHS। सो बस इतना आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये माइनस x इज इक्वल टू x, तो इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस 11/15 इज इक्वल टू 11/15, एंड आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना भी आप लिख के छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर -13/17, ये भी सेम है, आप इसे कर सकते हैं वैसे। इसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें भी माइनस है और इसमें दो माइनस पहले से ही है, तो माइनस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके दिखाता हूँ मैं आपको, माइनस यहाँ पर है, फिर है -13/17, ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे फिर से, हमारे -13/17 इज इक्वल टू -13/17। तो बस कुछ नहीं है, इसमें भी काफ़ी ईजी है, ठीक है। माइनस इन, अगर आप इसको, अगर हम बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप ना भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सो माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, और फिर प्लस माइनस आपका माइनस ही हो जाएगा, तो -13/17 आपका इस तरफ आएगा, एंड यहाँ पर -13/17 आपका इस तरफ भी आ गया। सो LHS इज इक्वल टू फिर से आपका RHS। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर से आपको यही बकवास यहाँ पे भी लिख देनी है, ठीक है, हैंस ये सब, और इस तरह से लिख के। सो बस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन किया, ठीक है। इसके ऊपर नीचे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी एक्सरसाइज है, वो सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।